वेलकम बैक टू द अनदर एपिसोड ऑफ पीसी टेक न्यूज, जहां पर आपको मिलती है पिछले हफ्ते की सारी मेजर अपडेट्स सिर्फ और सिर्फ पीसी टेक इंडस्ट्री से। इससे पहले कि मैं न्यूज स्टार्ट करूं, आपको छोटी सी रिक्वेस्ट, आप जैसा कि देख ही सकते हो कि हमारे 5000 की फैमिली जल्दी ही कंप्लीट होने वाली है, तो अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, और जैसे ही हमारी फैमिली 5000 की हो जाएगी एक आपके लिए स्पेशल Q&A वीडियो भी आएगा। नाउ विद दैट सेड लेट्स गेट डाउन टू द बिजनेस। शुरुआत करते हैं पॉजिटिव न्यूज के साथ। तो सबसे पहली न्यूज आती है HP की तरफ से। तो HP एनवायरमेंट को सेव करने के लिए एक बहुत ही अच्छा कदम ले रहा है। दोस्तों HP ने 2020 में टोटल 1.2 लाख टन हार्डवेयर को रिसाइकल किया है, जिसमें मेजरली ओशन से मिलने वाले प्लास्टिक को रिसाइकल किया गया था। दोस्तों ये बहुत ही अच्छा एक्शन है HP की तरफ से अपने एनवायरमेंट को सेव करने के लिए। और अगर मैं नंबर्स में बात करूं तो टोटल इंडिया में जितने भी प्लास्टिक यूज हुआ है उसमें से 11% प्लास्टिक HP ने रिसाइकल किया है। सो कूडोस टू HP फॉर डूइंग सच अ ग्रेट वर्क। तो बढ़ते हैं अगले न्यूज की तरफ, जो कि आती है डेल की तरफ से। तो डेल ने अपने XPS 9310 लैपटॉप को अपडेट कर दिया है 11th जनरेशन के इंटेल कोर i7 प्रोसेसर के साथ। दोस्तों जिन लोगों को नहीं पता उनको बता दूं कि डेल की XPS सीरीज जानी जाती है इसके डिजाइन और बेटर डिस्प्ले की वजह से। और XPS सीरीज डेल की एक प्रीमियम लैपटॉप सीरीज है। दोस्तों इस लैपटॉप में आपको 16GB की रैम देखने मिलने वाली है और 1TB की SSD आपको इस लैपटॉप में देखने मिल जाएगी विंडोज 10 के जेन्युइन सपोर्ट के साथ। ऑलराइट, तो बढ़ते हैं अगले न्यूज की तरफ, जो कि एक सर्वे रिपोर्ट है HP के द HP इंडियन गेमिंग लैंडस्केप रिपोर्ट के इस कंपनी से। दोस्तों इस कंपनी ने इंडिया में 25 मेट्रो में एक सर्वे किया, जिसमें टोटल 1500 लोगों को सिलेक्ट किया गया था। उनकी एज थी समवेयर अराउंड 15 to 40, यहां तक उनका एज ब्रैकेट था। इन सभी को PC से रिलेटेड अलग अलग क्वेश्चन पूछे गए और इसमें यह पता चला कि ओवर 90% पीपल गेमिंग को एक करियर ऑप्शन के जैसे देखते हैं इंडिया में। तो ये बहुत ही पॉजिटिव न्यूज है सारे गेमर्स लोगों के लिए। और मेरे हिसाब से इसका सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस जो हुआ है ना, वो यूट्यूब की वजह से ही हुआ है, क्योंकि यूट्यूब और गेमिंग ये दोनों इंडस्ट्री जब से लॉकडाउन हुआ है ना तब से इनकी ग्रोथ एक्सपोनेंशियली हुई है। तो डेफिनेटली यूट्यूब का इसमें बहुत मेजर रोल मुझे लगता है। आपको क्या लगता है आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो। इसी सर्वे में एक और बात पता चली कि मेजॉरिटी ऑफ गेमर्स अभी भी PC को प्रेफर करते हैं ओवर लैपटॉप्स अपने सारे गेम्स खेलने के लिए। तो इसका मतलब ये है कि गेमिंग PC बिल्ड के मार्केट में अभी भी बहुत बड़ी डिमांड आने वाली है। ऑलराइट, तो बढ़ते हैं अगले न्यूज की तरफ। तो अगली न्यूज आती है गेमिंग इंडस्ट्री से। तो लॉस एंजल्स यानी कि LA में रिसेंटली अभी वर्ल्ड प्रीमियर गेमिंग ट्रेड शो हुआ है, जिसकी शुरुआत हुई है यूबीसॉफ्ट के नए गेम, जिसका पूरा नाम है अवतार फ्रंटियर्स ऑफ पैंडोरा। दोस्तों गेमर्स लोगों के लिए ये काफी बढ़िया न्यूज है, क्योंकि आपको सभी को पता होगा कि अवतार ऑलरेडी हॉलीवुड में एक बहुत ही सक्सेसफुल मूवी रही थी और इसी के ऊपर अभी पूरा गेम आने वाला है। तो इसकी स्टोरी लाइन और ग्राफिक्स वगैरह बहुत ही अमेजिंग हमें इसमें देखने मिल सकते हैं। वैसे तो ये इवेंट 2020 में ही होने वाला था, बट ड्यू टू COVID-19 इसे पोस्टपोन करके अभी 2021 में रिसेंटली इसे लॉस एंजल्स में परफॉर्म किया जा रहा है। दोस्तों इस इवेंट से हमें यह पता चला है कि 2021 में अभी बहुत सारे नए गेम्स आने वाले हैं, जैसे कि Battlefield 2042, Among Us का नया एडिशन जिसमें 15 प्लेयर एक ही साथ एक ही लॉबी में खेल सकते हैं, और Age of Empires 4 और Forza Horizon 5 के ट्रेलर्स को भी इसी इवेंट में लॉन्च किया गया है। दोस्तों कमेंट करके जरूर बताना कि आप कौन सा गेम का वेट कर रहे हो। दोस्तों अगली न्यूज आती है Asus की तरफ से। तो Asus ने इंडिया में 3 नए लाइनअप लॉन्च किए हैं, जो कि गेमिंग लैपटॉप्स की लाइनअप है, जिसमें से सबसे पहला है ROG Zephyrus S17, ROG Zephyrus M16 और Asus TUF F15 एंड F17। इस लाइनअप को Asus ने रिसेंटली अभी इंडिया में लॉन्च किया है। दोस्तों हम सभी को पता ही है कि Asus की Zephyrus सीरीज Asus की फ्लैगशिप सीरीज है, जिसमें हमें सारे लेटेस्ट फीचर मिलेंगे, जैसे कि फास्ट चार्जिंग, RTX सीरीज के ग्राफिक्स कार्ड एंड ऑफ कोर्स 11th जनरेशन के इंटेल कोर CPUs। और रही बात TUF सीरीज की, तो TUF सीरीज से हम ऑलरेडी काफी फेमिलियर है। तो TUF सीरीज में हेवी चासी का यूज किया जाएगा, जो कि काफी हेवी वेट लैपटॉप होगा और इसमें फीचर्स वगैरह भी काफी डिसेंट होंगे। आपको इसमें 11th जनरेशन के इंटेल CPU का सपोर्ट देखने मिलेगा और इसके डिस्प्ले में 144Hz के डिस्प्ले का यूज किया जाएगा। बात करें प्राइसिंग की, तो Zephyrus S17 लॉन्च हो सकता है 1.44 लाख से, Zephyrus M16 की प्राइसिंग स्टार्ट होगी 2.99 लाख से, और Asus TUF की प्राइसिंग स्टार्ट होगी अराउंड 60,000 रुपीस से। और ये सारे लैपटॉप्स ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों ही जगह पर अवेलेबल हो जाएंगे। दोस्तों अगली न्यूज आती है Realme की तरफ से। तो Realme के CEO माधव सेठ ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट करके हम सबको ये बताया है कि Realme की नई प्रोडक्ट कैटेगरी इंडिया में बहुत जल्द लॉन्च हो सकती है। इन्होंने बाइनरी कोड में हेलो वर्ल्ड लिखा है और नीचे प्रोडक्ट का फोटो दिया है, और ये भी गेस करने के लिए कहा है कि ये प्रोडक्ट कौन सा होने वाला है और इसका नाम Realme क्या रख सकता है।
हमें तो ऑलरेडी पता है कि Realme का नया लैपटॉप आने वाला है एंड डेफिनेटली इसी लैपटॉप के हाइप को बढ़ाने के लिए माधव सेठ ने इस पोस्ट को किया होगा। वैसे बहुत सारे अनऑफिशियल साइट्स पे इस लैपटॉप के फोटो को लीक किया गया है। इन लीक्ड फोटोग्राफ्स को देखने पर हमें ये पता चल जाता है कि Realme के नए लैपटॉप हेविली इंस्पायर्ड हो गए एप्पल के मैकबुक एयर से। तो दोस्तों यही थे पिछले हफ्ते के कुछ मेजर अपडेट्स पीसी टेक इंडस्ट्री से। आपको वीडियो कैसा लगा डेफिनेटली मुझे कमेंट करके बताइए और अपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए जिससे हमारी 5000 की फैमिली जल्दी पूरी हो सकेगी। और लाइक और शेयर भी कर दो यार, इससे चैनल को ग्रो होने में काफी मदद मिलती है। मैं जल्दी मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। टिल देन टाटा बाय बाय।